वो मीम देखा है वो व्हाट डिफरेंट पीपल थिंक, ये मेरा वर्जन है. व्हाट माय फैमिली थिंक्स आई डू इन गोवा, व्हाट माय फ्रेंड्स थिंक आई डू इन गोवा, एंड व्हाट आई एक्चुअली डू इन गोवा. व्यू अच्छा है मेरे ऑफिस का है तो. इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि व्हाई डिड आई मूव टू गोवा. मतलब मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, बट चित्रांग ने ना पहली बार उसे शब्दों में डाला. अमन उसे भी किसी ने कहा था बट चलो उसी को क्रेडिट दे देते हैं, बट फील आ गई यार. चित्रांग एंड बरखा रन अ ब्यूटीफुल बुक स्टोर हेयर इन गोवा, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा. और अगर आपको किताबों में दिलचस्पी है या फिर ये कुछ अजीब प्राणियों में भी दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब कर लो यार. बहुत सिंपल, नीचे है कहीं बटन दबा कर लो यार. बट जब मैं इंटरव्यू कर रहा था ना और साथ में बीरोल वगैरह शूट कर रहा था, ही सेड समथिंग ऑफ द कफ ऐसे, मुझे लगा यार इस पे तो अलग वीडियो बनानी है. पता नहीं किसने बोला था कि हम सब भागे हों, वी आर वी हैव ऑल एस्केप्ड एंड वी आर ऑल इन हाइडिंग हियर इन गोवा. किस चीज से भाग रहे हो? कंडीशनिंग से भाग रहे हो, जिम्मेदारी से भाग रहे हो या एक्सपेक्टेशन से भाग रहे हो? जो तरीका आपको बताया गया है कि लाइफ ऐसे जीनी है उससे अग्री नहीं करते हो तो भाग रहे हो, तो इस यूटोपिया में आए हो. किसी भी गेट एनी, यू आर कवरिंग अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन गोवा एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट फ्रॉम गोवा बट दे लिव हियर. आई एम विलिंग टू बेट दैट ये कॉमन स्टोरी है सबकी. गोवा आए वापस नहीं गए, घर से निकल के ऑफिस जाने की जो सड़क है वो चावल के खेतों में से होके जाती है. पेड़, दुनिया भर के पेड़ ऐसे लाइन करके रखे हैं सड़क को. इधर देखोगे खूबसूरत पोर्चुगीज घर निकल करके आते हैं, उधर देखो पुरानी जबरदस्त पुरानी बेकरी निकल करके आती है. हर शाम को आपके घर के पास में कहीं ना कहीं से फ्रेशली मेड पाव की स्मेल आपके घर को भर देती है. ये सिर्फ, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट गोवा, द गर्ल्स एंड द बूज एंड द ड्रग्स एंड द पार्टीज एंड द कार्स एंड द फैंसी, नो, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. इट सो द क्वेश्चन बिकम्स इमटीरियल कि हम किस चीज से भाग रहे हैं. द आंसर बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट हम भाग करके आए और हमको यहाँ पे ये मिला और ये हमें भाया, ये हमें पसंद आया, कंपेयर टू हम जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ हमने अपनी पूरी जिंदगी बताई है या वो सारी मल्टीपल जगह जहां पे हमने अपनी जिंदगी बिताई है, उन सब के मुकाबले वी प्रेफर दिस. पता है मैं किस चीज से भाग रहा हूं? मैं ना वो कॉम्प्लेक्सी फेक्सी दिखावे वाली जिंदगी से भाग रहा हूँ. नहीं होता यार, हमसे नहीं होता. एंड अदर थिंग इज दैट आई एम वॉन्ट माई डॉटर टू बी एबल टू गो टू स्कूल ऑन अ साइकिल. एटलीस्ट आई वॉन्ट, शी शुड हैव दिस ऑप्शन. अब चाहे ना चाहे उसकी मर्जी, बट यार पेरेंटल डिजायर्स हैं. सिंप्लिसिटी, वेस्ट को सेग्रीगेट करना, ये गोवा आने से पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. सुनी थी मैंने बातें, अच्छी अच्छी बातें थी, सुनने में अच्छा लगता था, बोलने में अच्छा लगता था. इट मेक्स यू पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, वेरी नाइस. बट टू एक्चुअली इम्बाइब दैट एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर लिविंग हैपेंड बिकॉज आई केम हियर एंड स्टार्टेड लिविंग. पता है मैं कैसे बदला गोवा के? मुझे प्लास्टिक से नफरत हो गई. मतलब मैं उस रेस्टोरेंट में ना जिसमें वो बोलते कि हमारे पास सिर्फ बिस्लरी का पानी है, फिल्टर वाटर नहीं है, मैं उससे निकल ही जाता, मैं खाऊंगा ही नहीं वहाँ. आई थिंक दैट्स गुड थिंग हैपेंड ना. तो अगर तुम्हारा भी मन बन रहा है ना भाग कराने का, तो आओ यार, पर एक शर्त है,
अगर आना ना तो प्लीज यहाँ की गरिमा जरूर मेंटेन करो। मतलब जैसे ये शांत सी सड़क देख रहे हो, प्लीज इस शांत सी सड़क पे ना फुल वॉल्यूम पे वखरा स्वैग बजाते हुए गाड़ी मत निकालो। बाकी पटियाला चीयर्स, सी यू नेक्स्ट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।